अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी आज हम रेसिपी लेकर आए हैं एक लेस की, घर की लेस। तो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने ले लिए हैं आलू और ये चिप्स वाला कटर है। इसमें आप साइलेंट वगैरह, जो साइलेंट वगैरह खीरा जो आप काटना चाहते हैं वो इससे कट जाता है कटर से। तो जी मेरे पास ये सिंगल है कटर, तो जी मैंने ये लिया है और ये आलू है। अब हम इनके छिलके उतारते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि अगला स्टेप क्या है। अब हम इसको वॉश करते हैं। आप कुछ फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, जब आप अभी थोड़ी सी बना लो, अगर कल खानी है तो कल बची होगी तो आप कल भी खा सकते हो। बस एक बार और वॉश करते हैं। हमारे आलू तो ऐसे साफ हो गए हैं, ये देख सकते हैं पानी हमारा साफ है। फिर भी चने, ये हमने रुमाल ले लिया है, अब हम इसको ड्राई करेंगे, गीली नहीं करनी। ये देखें मैं सारे सुना देता हूँ। अब हम इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और देखना भी करना, जरूर आंख में कैसे बने। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक मत ना हो, तो इसमें मैं थोड़ा सही करने है या नहीं। तो चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप मैंने लिया है केस कट है, मैंने लिया मैदा, देख सकते हैं मैदा। और अब हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा डालेंगे अपनी लाल मिर्च, इसको कलर देंगे। ये क्या मैं दो से यहाँ पे नहीं है, ये देख सकते हैं और बनाते हैं। चलें जी, अब हम थोड़ी सा लाते हैं।
तो इधर आए तो इसकी बात करते हैं, आप आवाज सुन सकते हैं। अभी हमारी खत्म नहीं है, अभी और भी जाकर कुछ दिखाने। मजा चलिए हमारी देखे मेरी चिप्स, आवाज सुन सकते हैं। बने के नहीं लेस बनी ना। आह मजा। अब हम बनाते हैं इसका मसाला घर का, वो भी चिप्स मैंने बनाए। आज मैं स्टोर करूंगा, कल जब पर्सनल खाऊंगा। हम क्या जरूरत है, इतना खाएंगे तो रोज खाओ। ठीक है मैंने ले लिया, जिसमें मैं मैदा ले लेते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च और थोड़ा सा ले लेते हैं सॉल्ट, थोड़ा भी कम डाला इसलिए। और अब भी हम डालते हैं चाट मसाला। चाट मसाला आप जरूर डाला करें, चाट मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा चाट मसाला ये छोटा पड़ा होता तो मैं इसलिए हाथ मसाला एक मिनट। ये आ गया जी चाट मसाला, अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये वैसे बहुत स्पाइसी है, यम्मी। अब हम हल्का हल्का सा अप्लाई कर देते हैं। चले जी ये देखें, ये आ गया पूरा का पूरा मसाला। अब हम इसको इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि सबको मसाला लग जाए। तो दोस्तों यहीं पे अपनी रेसिपी एंड करते हैं। ज़रूर बताना कैसी बनी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना अच्छी बनी है कि नहीं। और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। को कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले तो मैंने चूज़े रखे हुए थे और यहाँ पर आप गेस करो क्या है, यहाँ पर हैं जी कबूतर। कबूतर ये दो हैं, ये देखें दो, एक ये वाइट है, एक ऊपर वाइट, एक ये वाला ब्लैक देखो, और एक कहाँ पे है, ये रहा ऊपर, ये देखें ये बैठा। इनको मैं हिला के दिखाता हूँ, ये देखें एक ये ब्लैक और वाइट, एक वो ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, ये चार कबूतर लिया। और जी ये देखें इनका बाजरा, ये रहा पानी। और चूजे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चूजे कितने चलाक हैं। कवर कर दिया है और ये चूजों का घर है जी, आप देख सकते हो ना। ये मैंने लास्केट इसलिए बांधे ताकि नीचे से गत्ता खुल ना जाए। और ये देखें इनकी विंडो, वाह अंदर अभी तो अंदर है ही नहीं। इसका मेन गेट देखें आप, ये मेन गेट है, ये इन्होंने इतना घन डाला है ना, इनको फिर मैं साफ भी करता हूँ, इनको शीट्स शीट साफ करता हूँ ना, इन इनका अच्छा होता है। ये देखें अब मैंने इन दोनों को ना एक साथ ही रखा है, ये देखें अच्छी बात है। अब मैं आपको चूजे दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें मेरे पीछे आएंगे, आगे आगे आगे। अब मैं इनके लिए भला क्या बना रहा हूँ, इनके लिए ये मैंने चादर लगाई है, हमारा यहाँ पे जंगल है ना तो इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए मैंने लगाई ताकि नीचे ना गिर जाए। तो जी अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके लिए क्या, चावल बॉयल हो रहे हैं इनके लिए, और चावल खिलाऊंगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस देखना मैं यहाँ पर चावल गिराने लगी, ये देखो जी भागते भागते आए चावल खाएंगे। तो यहीं पे अपना अब देख लिए, एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिंदा कर दो।